नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में मोस्ट रिपीटेड 100 जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत स्पीड में वीडियो होगा। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनना चाहिए अगर आपकी जीके अच्छी है। अगर नहीं बन रहे हैं तो तैयारी अच्छी कर लीजिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चेक करिए आपका जीके कैसा है, 100 में से कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहे से सिंधु सभ्यता के निवासी लोहे धातु से अपरिचित थे। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो चित्रात्मक लिपि थी सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृदेवी और पशुपति की सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नवीनतम वेद का नाम क्या है? तो अथर्ववेद नवीनतम वेद है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। कौन सा वेद गेय है? तो सामवेद गेय वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। और कितने मंत्र हैं? तो 10600 मंत्र हैं। वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो पुराणों को पंचम वेद कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है पुराणों की संख्या। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है उपनिषदों की संख्या। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है। नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो देव स्मृति नवीनतम स्मृति है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। भारतीय दर्शन शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो भारतीय दर्शन शास्त्र 6 हैं। योग दर्शन के संपादक कौन थे? तो पतंजलि योग दर्शन के संपादक थे। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो इंद्र को वैदिक काल का प्रमुख देवता माना जाता है। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? तो कल्कि अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था? तो असुर विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध की माता और पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध जी की माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से शाक्य कुल से संबंधित थे। बुद्ध की पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? तो बुद्ध की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो बोधगया उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध के घर से त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। आम्रपाली कौन थी? तो बुद्ध की शिष्या और वैशाली नगर की वधू थी। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कहलाती है? तो इसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत और प्रद्योत बुद्ध के समकालीन शासक थे। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक क्या है? तो सुत्तपिटक, विनयपिटक और अभिधम्म पिटक, ये सब मिलकर त्रिपिटक बनाते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। बुद्ध की मृत्यु को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित हैं? तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। पंच महाचिन्ह कौन से हैं? तो सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप पंच महाचिन्ह हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगृह में हुई, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई और अजात शत्रु के काल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किस काल में हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में
सावकमी के काल में हुई। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में किसके काल में हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में भोगलीपुत्र के समय, भोगलीपुत्र तीर्थ के समय और अशोक के काल में हुई। चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ पर किसकी अध्यक्षता और किसके काल में हुई? तो कुंडल दत्त के समय में हुई। बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो अशोक घोष ने की थी। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक था। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कुंडाग्राम में हुआ। महावीर स्वामी जी का कुल का नाम क्या था? तो ज्ञातक या जांत्रक। महावीर स्वामी जी के माता और पिताजी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी जी की माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो जन्नीग्राम में हुई। महावीर स्वामी जी की पत्नी और पुत्री का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अन्नौजा या प्रियदर्शनी था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वदेव जी थे। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे जैन धर्म के? तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके काल में हुई? तो स्थूल नंद के अध्यक्षता चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई। द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो वल्लभी में। बुद्ध धर्म की शाखाएँ दो कौन सी हैं? तो हीनयान महायान और वज्रयान। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ अंग उपांग और प्रकीर्णक हैं। सस्यावाद संस्यावाद किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर। मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था? तो हर्यक वंश था। नंद वंश का संस्थापक का नाम क्या है? तो महापदम नंद। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो सिकंदर था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने कब भारत में आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। सिकंदर ने हाइड्रोस्पीसीज वितस्ता के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो पौरुष को पराजित किया था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुकाफेला सिकंदर के घोड़े का नाम था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु सिकंदर के गुरु का नाम था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे? तो सेल्यूकस के दूत के रूप में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो विशाखदत्त ने लिखी है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य चला गया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि हैं। पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। चरक नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था। ऋषभ मार्ग का संस्थापक कौन था? तो कनिष्क था। शंक संवत कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 1878 ईस्वी है। मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हर्यक वंश था। किस वंश को पितृहता यश के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश को पितृहता यश के रूप में जाना जाता है। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो लिपुरेक दर्रे से होकर जाते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 अक्षांश है कुल। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो दोस्तों, ये था आपका आज का प्रैक्टिस टेस्ट। कैसा रहा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अपने ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।